मैं दिख कराती हूँ। हेलो, वैसे ये बहुत भारी है, तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे कौन है दरवाजे पे? मासा, वो रणवीर जी और मनन जी आए। अरे अरे अरे, आराम से आराम से। जी तेरा खुश। ये सब क्या है कृष्ण अंकल? वेल, इन सब में अपनी मॉम के लिए बहुत सारी कलरफुल साड़ी। ऐसी फिल्मी हीरोज वाली हरकतें साहिल क्यों नहीं करता? अगर उसने भी मेरे ये सारे मिडिल क्लास कपड़े बर्न्स कर दिए होते ना, तो आज मेरी अलमारी भी हाई क्लास कपड़ों से फिल्स होती। आपके बोले से पहले ही कृष्णा ने आपकी विश पूरी कर दी। अपन साड़ी में से एक साड़ी पहनिए ना। हाँ भाभी। मासा, भाभी को बोले ना कि अपनी साड़ी बदल ले। हाँ लल्ली, मंदिर में जरा ठीक कपड़े पहन के जा, बदल। नहीं मासा, फिर कभी पहन लूंगी, अभी के लिए ये ठीक है। फिर कभी नहीं, अभी पहनेंगी आप, और आपके लिए साड़ी मैं सिलेक्ट करूंगी। नहीं मैं। धरो। नहीं नहीं, मैं खुद पसंद कर। अब मैं? जी, अब जो साड़ी लाए चॉइस भी तो उसकी होनी चाहिए ना। क्यों जी जी? अगर आप मेरी पसंद जानना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद है। वाओ कृष्णकल, मुझे भी ये पसंद है। अंगूर। लड्डू के भैया। अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभी मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।